दोस्तों 7 सितंबर की रात को जब विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा तो एक बार तो पूरे भारतवासियों के चेहरे पर मायूसी आ गई। लेकिन जब 8 सितंबर रविवार को इसरो ने बताया कि विक्रम जिंदा है तो एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ गई। दोस्तों चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के बारे में कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली जगह से 500 मीटर दूर लैंड हुआ था। पहले वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की होगी, लेकिन इस बात का भी जल्द ही ऑर्बिटर के जरिए खुलासा हो गया। दोस्तों विक्रम लैंडर किस हाल में चंद्रमा की सतह पर गिरा था? क्या विक्रम लैंडर को गिरने से कोई नुकसान हुआ था? क्या विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया? विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह पर किस हाल में गिरा था? क्या आगे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क कर पाएंगे? इन सारे सवालों पर इसरो की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए। दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन जो 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था और यह 7 सितंबर को रात करीब 2 बजे चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होने वाला था, लेकिन चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर उसका संपर्क धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों से टूट गया। उसके बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के लिए दिन रात लगे हुए थे। इसके साथ ही वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण के जरिए इस बात का भी पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर विक्रम लैंडर के साथ क्या घटना हुई थी। वैज्ञानिक इस बात से मायूस ही थे कि इसके 36 घंटे बाद यानी 8 सितंबर को चंद्रयान के ऑर्बिटर ने थर्मल इमेजिंग के जरिए विक्रम लैंडर की एक तस्वीर कैप्चर की। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर के लोकेशन के बारे में पता चला। उसके बाद से ही वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में भी पता चल गया है। दरअसल विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तब उसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया, जिस वजह से विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के पीछे का कारण बहुत तेजी से ब्रेक लगना बताया जा रहा है। विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे मुश्किल पड़ाव तो आसानी से पार कर लिया था, इसको रफ ब्रेकिंग पेज कहा जाता है। इस चरण में विक्रम लैंडर की गति को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 140 मीटर प्रति सेकंड पर कंट्रोल किया गया था। उसके बाद महज 5 किलोमीटर फाइनल ब्रेकिंग पेज रह गया था, उस समय उसका संपर्क हमारे वैज्ञानिकों से टूट गया था। उसके बाद विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, ना कि क्रैश लैंडिंग हुई थी। दोस्तों इसरो के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर साबुत अवस्था में और ये टूटा नहीं। विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो के टूटने के चलते चांद पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने की बजाय हार्ड लैंडिंग हुई थी। इस दौरान चांद की सतह पर लैंडर विक्रम गिर गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें कोई टूट फूट नहीं है और वह सतह पर तिरछा गिरा हुआ है और वह ठीक ठाक हालात में है, जैसा था वैसा ही उसने लैंडिंग की। लेकिन राहत की बात रही कि करीब 35 घंटे बाद ही इसरो वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर की जो तस्वीरें मिली उससे पता चला कि वह तह स्थान से कुछ दूर तिरछा पड़ा है, हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से यह झुक गया है तथा इससे पुनः संपर्क स्थापित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के गिरने से इसरो ने अभी अपनी आशा छोड़ी नहीं थी। ये बात अलग है कि विक्रम लैंडर अपने तह स्थान से करीब 500 मीटर दूर चांद की जमीन पर गिरा था, लेकिन दोस्तों अगर विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाए तो वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वह टेक्नोलॉजी है कि वह गिरने के बाद भी खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हो और उससे कमांड रिसीव हो सके। हालांकि इस काम के सफल होने की उम्मीद थोड़ी कम है। विक्रम लैंडर में ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, यह खुद ही कहीं काम कर सकता है। विक्रम लैंडर के गिरने से वह एंटीना दब गया जिसके जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को कमांड भेजा जा सकता था। अभी इसरो के वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उस एंटीने के जरिए विक्रम लैंडर को वापस अपने पैरों पर खड़े होने का कमांड दिया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि गिरा हुआ विक्रम लैंडर खुद ब खुद अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, क्या कोई उसे वहां उठाएगा? आइए जानते हैं कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा विक्रम लैंडर। दोस्तों इसरो के सूत्रों ने बताया कि विक्रम लैंडर के नीचे की तरफ 5 थ्रस्टर्स लगे हैं जिसके जरिए इसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसके अलावा विक्रम लैंडर के चारों तरफ भी थ्रस्टर्स लगे हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान उसकी दिशा तय करने के लिए ऑन किए जाते थे। ये थ्रस्टर्स अब भी सुरक्षित है।
लैंडर के जिस हिस्से में कम्युनिकेशन सिस्टम एंटीना दबा है उस हिस्से में भी थ्रस्टर्स है। अगर पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए कमांड को सीधे या ऑर्बिटर के जरिए दबे हुए एंटीने ने रिसीव कर लिया तो उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया जा सकता है। थ्रस्टर्स ऑन होने के पर विक्रम एक तरफ से वापस उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस मिशन से जुड़े वे सारे प्रयोग हो पाएंगे जो पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को लेकर तह किए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके पास विक्रम से संपर्क साधने के लिए 10 दिन है। एक अनुमान के मुताबिक इसरो के पास विक्रम से संपर्क साधने के लिए 10 दिन है क्योंकि अभी लूनर डे चल रहा है। एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इसके 4 दिन बीत चुके हैं यानी कि अगले 10 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा, उसके बाद चांद पर रात हो जाएगी जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। रात में उससे संपर्क करने में दिक्कत होगी, फिर इसरो के वैज्ञानिकों को इंतजार करना पड़ेगा अगले 14 दिनों तक। दोस्तों अब तक के लिए इतनी ही अपडेट है। अगर चंद्रयान 2 के बारे में कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।